देखिए, मैं डॉक्टर बर्क के बारे में कहना चाहती हूँ, जो हमारे देश के तिरंगे का अपमान करेगा उस इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी सदस्यता को भंग कर दिया जाए, उन्हें सदन से निकाल दिया जाए, और जो जो हमारा देश का जो तिरंगा है वो हमारे देश की आन बान सो अभिमान है, और जो इस तिरंगे का अपमान करेगा उसे भारत देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे धक्के मार के उस देश से निकाल दें। तिरंगा यात्रा में भाग लेने पहुंची साध्वी गीता प्रधान ने सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क को लेकर विवादित और भड़काऊ बयान दिया है। साध्वी ने कहा, सपा सांसद जैसे लोगों को देश से धक्का मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। दरअसल आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हाल ही में सपा सांसद का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि तिरंगा अपने घरों पर लगाना जरूरी नहीं है, इसका संविधान में भी कोई आदेश नहीं है। उनके इस बयान पर पूछे गए सवाल पर आज योगी सरकार से जुड़े ST SC आयोग के सदस्य साध्वी गीता प्रधान ने कहा है, जो देश के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं कर सकता उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें तो धक्का मारकर निकाल देना चाहिए। आज पूरे देश में युवा मोर्चे की बाइक रैली का आयोजन हुआ है, और ये बाइक रैली अभी थोड़ी देर में यहाँ से प्रारंभ होकर पूरे शहर में भ्रमण करेगी, उसके बाद रैली का समापन होगा। हम आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं, और पूरे देश में ये आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है, और युवाओं में बहुत जोश है। हमारे देश के तिरंगे की जो शान आन बान सो अभिमान आज युवाओं में आपको जोश देखने को मिल रहा है, और पूरे देश भगवा ही भगवा होने के लिए जा रहा है। 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का माने मोदी जी का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करेंगे और पूरा देश भगवा में हो जाएगा। आज हमारे देश की आन बान सो अभिमान सम्मान की बात है, और आज हम युवा मोर्चे की एक भव्य रैली का आयोजन है। देखिए, मैं डॉक्टर बर्क के बारे में कहना चाहती हूँ, जो हमारे देश के तिरंगे का अपमान करेगा उस इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी सदस्यता को भंग कर दिया जाए, उन्हें सदन से निकाल दिया जाए, और जो जो हमारा देश का जो तिरंगा है वो हमारे देश की आन बान सो अभिमान है, और जो इस तिरंगे का अपमान करेगा उसे भारत देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे धक्के मार के उस देश से निकाल देना चाहिए।